Okay, Vanisha, yes, that is perfectly correct. Kaveen Dhruv, no, that is not correct. Okay. और किसी को कुछ आंसर आया? ओके तो जब ये सम मैंने पहली बार देखा था तो मेरे मेरे दिमाग में क्या चल रहा था, तो इधर क्या बोला है कि देर आर फोर नंबर्स दैट आर बीइंग मल्टीप्लाइड एंड दीज फोर नंबर्स आर डिवाइडेड विद 27, ठीक है, एंड वी नीड टू फाइंड द रिमेंडर इन द सिनेरियो, ठीक है। तो सबसे पहला चीज मैंने ये सोचा कि ये चार नंबर्स इंडिविजुअली ऐसे मल्टीप्लाइड क्यों, एग्जामिनर ने ये चारों नंबर्स को मल्टीप्लाई करके एक गंदा नंबर क्यों नहीं दे दिया, उसने ये चारों नंबर्स को इंडिविजुअली ऐसे मल्टीप्लाई क्यों किया, ठीक है, क्या इसके पीछे कुछ लॉजिक है क्या, ठीक है। तो जब भी कॉम्प्लेक्स चीज नहीं समझता है तो हमेशा उसको सिंप्लीफाइड वर्जन में रिड्यूस करके समझने का ट्राई करने का। जैसे क्वेश्चन इधर क्या है, 84 इंटू 192 इंटू 217 इंटू 301 ये नंबर है, ठीक है, एंड दिस नंबर इज डिवाइडेड विद 27, ठीक है, एंड वी नीड टू फाइंड द रिमाइंडर। तो ये कॉम्प्लेक्स सिनेरियो जहां पे नंबर्स काफी बड़े बड़े टू डिजिट थ्री डिजिट नंबर है एंड द डिनोमिनेटर इज ऑल्सो टू डिजिट नंबर, ठीक है। तो इसको समझने से समझने के लिए हम लोग एक सिंप्लीफाइड वर्जन में इसको रिड्यूस करते हैं। जैसे लेट से 3 इंटू 2 बाई 2, ये एक सिंप्लीफाइड वर्जन इसका हो गया, ठीक है। और मैं कैसे इसको लिख सकता हूँ, 4 इंटू 5 बाई 3, ठीक है, 6 इंटू 7 बाई 4, ठीक है। तो ये सिंप्लीफाइड वर्जन ऐसे हो गए। और एक अगर मैं नंबर लिखूं तो 11 इंटू 13 बाई लेट से 5, ठीक है। तो ये सिंप्लीफाइड वर्जन हो गए। अब अगर मैं इसमें समझने की इधर कोशिश करूं, 3 इंटू 2 इज 6, 6 बाई 2 का रिमाइंडर कितना है, 0। तो फाइनल रिमाइंडर क्या आएगा मेरा इधर, तो फाइनल रिमाइंडर इधर कितना आएगा, फाइनल रिमाइंडर आएगा 0। अब मैं क्यों इधर इतना इजीली फाइनल रिमाइंडर पता लगा सकता हूं, बिकॉज 3 इंटू 2 मैं इजीली कैलकुलेट कर सकता हूं, लेकिन 84 इंटू 192 इंटू 217 इंटू 301 ये आप कैलकुलेट नहीं कर सकते, ठीक है, मैनुअली, ठीक है, और कैलकुलेटर्स आपको मिलेगा नहीं ये सब, ठीक है। सिमिलरली 4 इंटू 5 बाई 3, 4 इंटू 5 20, 20 बाई 3 का रिमाइंडर आएगा 6 इंटू 7 बाई 4, 6 इंटू 7 इज 42, 42 बाई 4 का रिमाइंडर अगेन आएगा इधर 2, 11 इंटू 13 बाई 5, तो 11 इंटू 13 इज 143, 143 बाई 5 का रिमाइंडर आएगा 3, राइट, 143 बाई 5 का रिमाइंडर कितना आएगा 3। तो मैंने क्या सोचा था कि इधर ये अलग अलग क्यों लिखा है, ये अलग अलग लिखने के पीछे कुछ लॉजिक है क्या। तो इधर देखो, हाँ, 3 बाई 2 अगर मैं इंडिविजुअल रिमाइंडर अगर मैं फाइंड आउट करूं तो देखो क्या आता है इधर, 3 बाई 2 इसका रिमाइंडर कितना आएगा 3 बाई 2 का 1, एंड 2 बाई 2 का रिमाइंडर कितना आ रहा है 0, 4 बाई 3 इसका रिमाइंडर आएगा 1, 5 बाई 3 इसका रिमाइंडर आएगा 2, इंडिविजुअल में रिमाइंडर निकालो, 6 बाई 4 इसका रिमाइंडर आएगा 2, 7 बाई 4 इसका रिमाइंडर आएगा 3, 11 बाई 5 इसका रिमाइंडर आ रहा है 1, 13 बाई 5 इसका रिमाइंडर आ रहा है 3। कुछ पैटर्न दिख रहा है, सिंपल सा क्वेश्चन, कुछ पैटर्न दिख रहा है क्या? अगर आप कोई पैटर्न दिख रहा है तो मुझे बताओ क्या।
नो मेनिता, दैट इज नॉट द केस कवीन, दैट इज ऑल्सो नॉट द केस. रिमाइंडर ऑफ वन नंबर इज एक्चुअली द रिमाइंडर ऑफ होल. लाइक द रिमाइंडर ऑफ 2 by 2 इज 0 एंड 3 into 2 by 2 इज ऑल्सो 0. नो दैट इज नॉट द केस कशिश. ओके, तो इधर क्या सिनारियो है, इधर देखो आप. तो ये जब मुझे ये कंसेप्ट के बारे में कुछ भी नहीं पता था, मुझे रिमाइंडर्स के बारे में कुछ भी नहीं पता था, जब मैं प्रैक्टिस डेज में, जब मैं खुद मतलब अपने क्लास में, मैं जो कोचिंग सेंटर मैंने ज्वाइन किया था, मैं उसमें जब मैं प्रैक्टिस कर रहा था, तो ये सम पहली बार मेरे एक टेस्ट में आया था. ठीक है, वो कोचिंग सेंटर के वो टेस्ट में आया था. यस यस कवि, नाउ दैट इज परफेक्टली करेक्ट. तो ये वो कोचिंग सेंटर के टेस्ट में आया था. ये सम सेम सम नहीं, सिमिलर सम आया था. ऐसे ही एक 3 4 नंबर मल्टीप्लाइड था एंड दैट नंबर वर्ड्स डिवाइडेड बाय 2 डिजिट नंबर. ठीक है, तो ये सेम सम आया था उसमें. तो उस वो टाइम पे मेरे दिमाग में जो चल रहा था ना, जो भी चीजें मेरे दिमाग में चल रही थी, वही मैंने आपको इधर लिख के बताया. ठीक है, तो मैंने क्या देखा, क्या पता है, क्या मैंने क्या पैटर्न देखा पता है, कि इधर पैटर्न ये बन रहा है कि योर फाइनल रिमाइंडर इज प्रोडक्ट ऑफ योर इंडिविजुअल रिमाइंडर्स. मतलब मेरा इधर ये एग्जांपल में मेरा फाइनल रिमाइंडर 0 आया और मेरा इंडिविजुअल रिमाइंडर का प्रोडक्ट आया 1 into 0 इज ऑल्सो 0. इधर मेरा फाइनल रिमाइंडर 2 आया और मेरा इंडिविजुअल रिमाइंडर्स का प्रोडक्ट भी 2 है. इधर लेकिन मेरा फाइनल रिमाइंडर 2 आया लेकिन मेरे इंडिविजुअल रिमाइंडर्स का प्रोडक्ट 6 है. इधर ही बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं. ठीक है, अगर मैं सिर्फ आपको ये दो एग्जांपल दिखाता ना, तो आप लोग स्ट्रेट अप बोल देते कि फाइनल रिमाइंडर इज प्रोडक्ट ऑफ द इंडिविजुअल रिमाइंडर. लेकिन वो फिर लॉजिक इधर अप्लाई नहीं हो रहा है, क्योंकि मेरा फाइनल रिमाइंडर 2 है और मेरा इंडिविजुअल रिमाइंडर का प्रोडक्ट 6 है. तो क्या इधर होगा, तो इधर देखो, क्योंकि मेरा डिनोमिनेटर, मेरा डिवाइजर 4 है, तो ऑब्वियसली बात है 2 into 3 भले ही 6 है, लेकिन ये 6 मेरा फाइनल रिमाइंडर नहीं हो सकता. क्यों ये 6 मेरा फाइनल रिमाइंडर नहीं हो सकता, चैट बॉक्स में प्लीज मेरे को बताओ. मुझे एटलीस्ट 10 लोगों के से रिप्लाई चाहिए कि क्यों ये 6 रिमाइंडर नहीं हो सकता, फाइनल रिमाइंडर नहीं हो सकता भले ही 2 into 3 6 है. बिकॉज इट इज ग्रेटर देन 4, राइट? रिमाइंडर वही रहेगा जो मेरे डिवाइजर से छोटा नंबर होगा. तो मैं ये 6 में से एक और बार 4 को सब्ट्रैक्ट कर सकता हूं, क्योंकि डिविजन इज नथिंग बट रिपीटेड सब्ट्रैक्शन. तो ये अगर 6 में से मैं ये 4 को रिपीटेडली सब्ट्रैक्ट, एक और बार सब्ट्रैक्ट करूंगा, तो मेरा फाइनल रिमाइंडर आएगा 2, और वही इधर अभी आ रहा है, राइट? सिमिलरली इधर मेरा फाइनल रिमाइंडर है 3 और मेरा इंडिविजुअल रिमाइंडर का प्रोडक्ट भी क्या है, 3. तो आप कोई भी केस बनाओ, आप कोई भी सिनारियो बनाओ, आपका फाइनल आंसर यही रूल पे डिपेंडेंट रहेगा कि आपका फाइनल रिमाइंडर वुड बी प्रोडक्ट ऑफ इंडिविजुअल रिमाइंडर्स. और ये सिर्फ 2 नंबर्स के लिए वैलिड नहीं है, ये 3 4 नंबर्स के लिए भी वैलिड है. जैसे अगर मैं इधर ये लेता, 4 डिवाइजर मेरा 4 है, 6 into 5 into 11 into लेट्स सी 2. ओके, तो इसका वैल्यू कितना आता था, 6 into 5 30, 30 into, ओके मैं 2 नहीं ले सकता हूं इधर, क्योंकि 2 का मल्टीपल इधर और ये 6 में से 2 का मल्टीपल ये 4 को एक्चुअली कैंसल आउट ही कर देगा. तो ठीक है, तो चलो देखते हैं. तो 6 into 5 30, 30 into 22 660, 660 बाय 4 का फाइनल रिमाइंडर कितना आना चाहिए, 0. तो अब ये 6 by 4 का रिमाइंडर कितना है, 2. 5 by 4 का रिमाइंडर कितना है, 1. 11 by 4 का रिमाइंडर कितना है, 3. 2 by 4 का रिमाइंडर कितना है, 2. तो मेरा प्रोडक्ट ऑफ इंडिविजुअल रिमाइंडर्स कितना रहेगा, 2 into 1 into 3 into 2. तो ये कितना आता है, 12. तो क्योंकि ये 12 4 से बड़ा है, तो मुझे और ये 12 में से 4 के मल्टीपल्स निकालने पड़ेंगे. और जब मैं ये 12 में से 4 के सभी मल्टीपल्स निकाल दूंगा, तो मेरा फाइनल रिमाइंडर मुझे कितना आएगा, 0.
तो आई होप आपको ये रूल समझ गया रहेगा, ठीक है। तो माय फाइनल रिमाइंडर इज नथिंग बट प्रोडक्ट ऑफ द इंडिविजुअल रिमाइंडर्स। आई होप दिस थिंग इज परफेक्टली क्लियर सबको, ठीक है। तो इफ दिस इज द सिनेरियो, अब मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे ये इंडिविजुअल नंबर्स का 84, 192, 217, 301 ये इंडिविजुअल नंबर्स का रिमाइंडर फाइंड आउट करना पड़ेगा विथ रिस्पेक्ट टू 27 इंडिविजुअल, ठीक है। तो 84/27 मुझे पता है 27 3 is 81, तो 84 के आसपास 27 का कौन सा मल्टीपल है, 81, तो 84 कितना रिमाइंडर लीव करेगा, प्लस 192, 27 5 is 135, 27 2 is 54, तो 135 प्लस 54 इज 189, तो 192 के आसपास 189 का 27 का कौन सा मल्टीपल है, 189, तो 192 कितना रिमाइंडर लीव करेगा, प्लस 3, 217, 27 10 is 270, 27 2 is 54, 270 minus 54 is 216, तो 217 के आसपास 27 का कौन सा मल्टीपल है, 216, तो 217 कितना रिमाइंडर लीव करेगा, प्लस 1, 301, 27 10 is 270, 27 1 is 27, तो ये ऐड करके कितना होगा, 297, तो 301 के आसपास 27 का कौन सा मल्टीपल है, 297, तो ये 301 कितना रिमाइंडर लीव करेगा, प्लस 4, तो मेरा फाइनल रिमाइंडर क्या रहेगा, माय फाइनल रिमाइंडर वुड बी प्रोडक्ट ऑफ इंडिविजुअल रिमाइंडर्स, राइट। तो इंडिविजुअल रिमाइंडर्स का प्रोडक्ट कितना आएगा, 3 × 3 × 1 × 4, विच इज 36। तो क्या मेरा फाइनल रिमाइंडर ये 36 हो सकता है, नहीं, क्योंकि ये मेरे डिवाइजर 27 से बड़ा है, तो मैं यही 36 में से एक और बार 27 सब्ट्रैक्ट कर दूंगा, तो मुझे फाइनल रिमाइंडर क्या मिलेगा, 36 - 27, विच इज, तो मेरा आंसर इसमें क्या रहेगा, ऑप्शन डी। इज दिस क्लियर, सबको समझाइए, यस नो प्लीज रिप्लाई करो, यस कवि, कवीन आपका डाउट क्या था जल्दी से लिख के बताओ, ओके ठीक है, तो आप लिखो कवीन, मैं तब तक एक और चीज इधर समझा देता हूं, ओके तो ये नंबर क्या था बेसिकली, 84 × 192 × 217 × 301, यस यस कवीन यू कैन परफेक्टली डू दैट, वही मैं अभी आपको बताने वाला था, वही चीज, यस, तो दैट इज यस, तो मैं अभी आपको वो बताता हूं, इधर देखो, तो दिस होल थिंग वॉज डिवाइडेड बाय, यस दैट इज बेटर, यस, तो दिस होल थिंग इज डिवाइडेड बाय 27, ओके। तो कवीन ने जैसे इधर क्या सोचा पता है क्या, उसका डाउट क्या था कवीन का, कि सर 84 ना 3 का मल्टीपल है और ये 27 जो मेरा डिवाइजर है वो भी 3 का मल्टीपल है, तो हम लोग एक काम इधर ये कर सकते हैं, हम लोग क्या कर सकते हैं, 27 9 is 84, 28 is, लेकिन फिर उसने ये भी देखा कि यार ये 192 भी 3 का मल्टीपल है और ये 9 भी 3 का मल्टीपल है, तो उसने ये 3 और इसको 64, ठीक है, तो अब उसका न्यू नंबर क्या हो गया, ये 28 × 64 × 217 × 301, ठीक है, तो अब उसने ये चीज को डिवाइडेड बाय 3 किया, राइट, क्योंकि अब आपका डिवाइजर है 3, तो 28/3 का रिमाइंडर रहेगा 1, 64/3 का रिमाइंडर रहेगा 1, 217/3 का रिमाइंडर भी रहेगा 1, 301/3 का रिमाइंडर भी रहेगा 1, तो इंडिविजुअल रिमाइंडर क्या रहे, 1 1 1 1, तो फाइनल रिमाइंडर वुड बी प्रोडक्ट ऑफ इंडिविजुअल रिमाइंडर्स, राइट, तो इंडिविजुअल रिमाइंडर्स का प्रोडक्ट कितना आ रहा है, 1 × 1 × 1 × 1 = 1, तो आपका फाइनल रिमाइंडर इधर कितना आ रहा है, 1, तो अब कवीन इधर क्या बोल रहा है पता है क्या, कि सर क्योंकि अब मेरा डिवाइजर 3 है, तो अब मेरा फाइनल रिमाइंडर 1 आ रहा है,
लेकिन आपने तो बोला कि मेरा फाइनल रिमाइंडर ये सम में 9 आएगा, मतलब मेरा आपने 9 को मार्क भी कर दिया, मतलब 9 करेक्ट आंसर है। तो मैंने इधर ऐसा क्या गलत किया है कि मेरा फाइनल रिमाइंडर इधर 1 आ रहा है, मुझे भी 9 आना चाहिए ना इधर। चैट बॉक्स में प्लीज मेरे को बताओ, किसी को कुछ समझ रहा है क्या इसके अंदर कि क्यों इधर 1 आ रहा है और क्यों उधर 9 आ रहा है, क्या रीजन है, क्या रीजनिंग रहेगा आपका? ये मेथड इनकरेक्ट है क्या कि लास्ट वाला मेथड इनकरेक्ट है? ये फर्स्ट वाला मेथड इनकरेक्ट है, ये हमारा फर्स्ट मेथड था, या फिर कवीन वाला जो हमारा सेकंड मेथड था, क्या ये इनकरेक्ट है कि दोनों ही करेक्ट है? मैं सिर्फ कुछ गलत इंटरप्रेट कर रहा हूं, चैट बॉक्स में प्लीज मेरे को तो एकाद बंदे को तो समझेगा ही कि क्या गलत कर रहे। ओके निशिता, तो क्या एडजस्टमेंट रहेगा जिसको हमें करना पड़ेगा टू गेट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द सेकंड मेथड? निशिता इधर बोल रहे कि सेकंड मेथड इज परफेक्टली करेक्ट, आई सॉल्व द सम यूजिंग दैट मेथड ओनली, लेकिन फिर एडजस्टमेंट आपको क्या करना पड़ेगा, क्योंकि करेक्ट आंसर तो 9 है, राइट? करेक्ट आंसर तो 9 है, लेकिन ये मेथड से 1 आ रहा है, तो 1 तो लेकिन इनकरेक्ट है ना। यस कृष्णा, तो इधर क्या हो रहा है, देखो हमेशा एक चीज याद रखो कि रिमाइंडर्स आर ऑलवेज विथ रिस्पेक्ट टू अ पर्टिकुलर नंबर, ठीक है? रिमाइंडर्स आर ऑलवेज विथ रिस्पेक्ट टू अ पर्टिकुलर नंबर एंड दैट पर्टिकुलर नंबर इज द डिवाइजर, ठीक है? तो इधर ऑब्वियस सी बात है, अगर आपका डिवाइजर 3 है तो आपका जो भी रिमाइंडर आएगा वो लेस देन 3 आएगा, आपको कभी भी 9 आपका रिमाइंडर नहीं आएगा, राइट? और क्वेश्चन में आपको क्या पूछा है, क्वेश्चन में आपको पूछा है कि व्हाट विल बी द रिमाइंडर व्हेन दिस नंबर n इज डिवाइडेड बाय 27? तो जब ये नंबर n को जब मैं 27 से डिवाइड करूंगा तब रिमाइंडर क्या है, मुझे क्वेश्चन में वो पूछा गया है, राइट? तो मतलब मुझे रिमाइंडर जो पूछा गया है, मुझे रिमाइंडर 27 के रिस्पेक्ट में पता लगाना है, ना कि 3 के रिस्पेक्ट में, क्योंकि सेकेंड मेथड में मेरा सम तो एकदम सिंप्लीफाई हो गया, ठीक है, लेकिन मेरा रिमाइंडर 1 आ रहा है, लेकिन मुझे जो भी रिमाइंडर फाइंड आउट करना है, मेरा फाइनल रिमाइंडर इधर क्या आ रहा है, 1/3, मतलब मेरा रिमाइंडर आ रहा है 1 विथ रिस्पेक्ट टू 3, लेकिन क्योंकि मुझे मेरा रिमाइंडर 27 के रिस्पेक्ट में पता लगाना है, तो मुझे ये डिवाइजर 3 को फिर से रीएडजस्ट करके 27 करना पड़ेगा, राइट? मैंने ये 27 को 3 किया ना कैंसल आउट करके, तो अब मुझे 3 को फिर से 27 करना पड़ेगा, तो मैं क्या मल्टीप्लाई करूंगा टू मेक इट 27? 9, ठीक है? तो मैं न्यूमरेटर में भी क्या मल्टीप्लाई करूंगा? 9, ठीक है? तो नाउ माय रिमाइंडर विथ रिस्पेक्ट टू 9 विथ रिस्पेक्ट टू 27 विल बी 9। तो देखो ये जो आपने चीज किया है वो परफेक्टली करेक्ट है कैंसल आउट करके, ठीक है? लेकिन अगर आपने एडजस्टमेंट्स ऐसा किया है तो आपको वापस से आपके डिनोमिनेटर या फिर डिवाइजर को आपको रीएडजस्ट आपको करना पड़ेगा, ठीक है? और ये बहुत सारे लोग करना भूल जाते हैं और 1 एज देयर आंसर मार्क कर देते हैं, जो कि इनकरेक्ट है, क्योंकि आपको क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, आपको क्वेश्चन में आपको आंसर पूछा गया है विथ रिस्पेक्ट टू 27, आपका रिमाइंडर पूछा गया है विथ रिस्पेक्ट टू 27। I hope this thing is perfectly clear. Krisha, Kaveen, सबको समझाइए। Yes, no, please reply करो सब लोग। Okay. Okay. तो आपका नेक्स्ट सम ये है कि फाइंड द रिमाइंडर व्हेन 6 raised to 100 इज डिवाइडेड बाय 7। ओके, 6 raised to 100 डिवाइडेड बाय 7, व्हाट वुड बी द रिमाइंडर? आई विल वेट फॉर अ मिनट एंड देन विल डिस्कस।